ये फिर से बोलने लगे। जाना होता रहता है, आप तो यहाँ पे आए हो, 2-3 दिन के लिए गाड़ी भी लगाना है। हाय गाइस, दिस इज मी एलिस स्विफ्ट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और मैं जहाँ से एंटर हुई हूँ सबसे पहले मुझे दिखा यहाँ पे दुर्गा स्थान। मैं दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे आप आते हैं तो पूजा भी कर सकते हैं, और उसके बाद मैं जो अभी जिस एरिया में खड़ी हूँ मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा व्यू। सो यहाँ पे है पार्किंग एरिया, और जो चार्जेस है वो सब मैं अभी आप लोग को वीडियो में दिखा दूँगी। सो यहाँ पे आप अपना कार, बाइक, साइकिल, जो भी आपके व्हीकल्स हैं उन सबको पार्क कर सकते हैं, और कितने आवर्स के लिए क्या चार्जेस है वो सब मैं दिखाती हूँ, और उसके बाद आगे चलते हैं स्टेशन की तरफ। सकते हैं और आगे मैं थोड़ा सा इसका व्यू दिखाता हूँ।
पॉइंट में जहाँ पे आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं जो स्टीम इंजन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफ़ी टाइम से बना हुआ है और यह टाइम टू टाइम कलर होता रहता है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वर्क चल रहा है, हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। अभी आई थिंक जो है ये रोड वोड का बन रहा होगा। इधर जो गेट है वो है खुद्दीराम बोस द्वार। सो यहाँ पे इधर से आप आ सकते हैं और यहाँ पे है महावीर द्वार। तो ये है महावीर द्वार और ये है खुद्दीराम बोस द्वार। अभी थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, हमेशा काम चलता ही रहता है और अभी भी स्टेशन का काम चल रहा है, गाड़ी आ ही रहे हैं, तो आगे मैं दिखाती हूँ। अभी मैं बैठी हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं मुजफ्फरपुर जंक्शन के बारे में बताती हूँ। सो यहाँ पे जो टोटल ट्रेन यहाँ से पास होती है वो है 118। मैंने ये इन्फॉर्मेशन गूगल से लिया है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो सॉरी उसके लिए। सो टोटल यहाँ से जो पासेज होते हैं वो है 118 ट्रेन और जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो है 29। टोटल 29 जो है ट्रेन यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं और जो स्टॉपेज हैं लास्ट स्टॉपेज वो भी 29 ट्रेन्स का है। तो लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं एक एक ट्रेन का नाम नहीं बता सकती हूँ। और अभी फिलहाल जो है यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन सिर्फ एक ही चल रहा है जो कि मैंने अभी पता किया, समस्तीपुर से लेके सोनपुर के लिए। और बाकी यहाँ पे जो है अभी कोई ट्रेन नहीं चल रहा है, आपको प्लेटफॉर्म टिकट्स भी नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पे स्पेशली सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आई हूँ, बट यहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो इसीलिए अभी प्लेटफॉर्म टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, बट सब नॉर्मल हो जाएगा तो मिलेगा। अभी मेरे पीछे जो है वो स्पेशल ट्रेन लगी हुई है जो कि है गोरखपुर से देहरादून और मुजफ्फरपुर के लिए, और देखिए मैं थोड़ा बहुत आगे कुछ दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखो मोबाइल चार्जिंग के लिए भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। चलते हैं आगे।
और यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे शॉप हैं जो आप लोग प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो देखते ही होंगे, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सब के लिए। बट अभी फ़िलहाल मैंने आगे से जितना भी देखा ना, वो सारा का सारा ही बंद था। मैं यहाँ पे अभी एक स्पेशल ट्रेन जो रुकी हुई है उसी पे हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं इधर का व्यू, एक यहाँ पे मस्जिद भी है। और यहाँ पे बहुत पुराना मस्जिद भी है। चलिए मैं निकल जाती हूँ, नहीं तो पता चला ये ट्रेन स्टार्ट हो गई। कॉफ़ी पीती हूँ और आगे का थोड़ा सा ऊपर से दिखा देती हूँ और फिर इस वीडियो को एंड करती हूँ। लोग कम आना जाना कर रहे हैं इस वजह से, जो है ना, मैं ऐसे दिखाऊं अगर तो काफ़ी क्लीन है। मतलब आप देखोगे ना, इस एरिया को मैंने इतना क्लीन कभी नहीं देखा था जितना अभी मुझे ये क्लीन दिख रहा है। स्टेशन रोड से और मैं इधर वाले एंड में हूँ, जहाँ पे जिधर से आप निकलते हैं तो बटलर एंड चक्कर मैदान के पास में निकलते हैं। तो आप अगर स्टेशन के लिए आना चाहते हैं, मतलब ट्रेन लेना चाहते हैं, तो आप उधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। और कौन कहता है मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं है यार, मैंने इतना कुछ तो दिखाई दिया आपको ऑलरेडी, इतनी सारी फैसिलिटीज़ है ना। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पब्लिक का भी है, मतलब बोलूँगी, क्योंकि अगर हम खुद से केयर नहीं करेंगे तो ये कैसे क्लीन रहेगा। और मैं अभी दिखाती हूँ जो मुझे नहीं पता था, यहाँ पे लिफ्ट भी लग चुका है अभी तो फिलहाल, मतलब बहुत कम ही ट्रेन भी चल रही है, शायद इसी वजह से बंद होगा, गार्ड रहता होगा। तो आई होप एंड आई नो कि मतलब यहाँ लिफ्ट तो ज़रूर चलता होगा। और मैंने दिखाया, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक जो हम लोग को पता नहीं, जो यहाँ के लोकल लोगों को पता नहीं है, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल पाए कि हमारे मुजफ्फरपुर के स्टेशन में कितनी सारी चीज़ें हैं। एंड अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।